एक कमी आप लोग करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी करते हैं। हर जगह की न्यूज आपको अपडेट में करता रहता हूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लेनेट पर। देखिए, जब कहीं एक जगह चीजें रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है ना, तो अलग अलग राज्य में और हर जगह चीजें दिखती हैं और अलग अलग जगह जो है उस चीज के लिए आंदोलन होने लगता है। संगीत में जिस तरीके से पिछले साल से बिहार वैकेंसी लेके आ रहा है, तो अलग अलग राज्य के जो छात्र हैं वो भी उठ रहे हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं और अपने राज्य से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बड़ी संगीत भर्ती की जरूरत है, संगीत शिक्षक भर्ती की जरूरत है। उसी में से राजस्थान से ये न्यूज निकल के आ रही है, जब यहाँ के जो बड़े भाई ने उन्होंने आंदोलन किया, तो एक न्यूज निकल के आ रही है सामने, ये सामने मैंने लगा दिया है। इस न्यूज को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस न्यूज में कि इस क्या लिखा है कि 32 साल में सिर्फ 28 नौकरी दी, हर साल 1000 संगीत की डिग्री बांट रही है सरकार। आप इस न्यूज को देखिए और समझिए कि 32 साल में सिर्फ 28 संगीत में भर्तियां हुई हैं, आप समझिए। और जब इस पूरे न्यूज आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, इस पूरे न्यूज आर्टिकल का जो ये पिक है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप बहुत सारी चीजें पाएंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसमें जो संगीत कला है उसको बढ़ावा दिया गया था और इस तरीके का अन्य सब्जेक्ट है ना जो कहीं दब से गए थे, ये जो संगीत कला है हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा इसका योगदान है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इस तरीके की बातें कही गई थी कि इनको बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप राजस्थान की बात करें, और बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये अगर आंकड़ा इस तरीके का निकाल दिया जाए तो लमसम हर स्टेट का आंकड़ा ये निकल जाएगा। संगीत की बात करूं तो मैं अब बिहार को उससे में निकाल दे रहा हूं, क्योंकि बिहार अब 3 बार बड़ी भर्ती दे दिया है, अगली भर्ती की तैयारी में है, तो हर स्टेट में, हर राज्य में इस प्रकार का आंकड़ा निकल जाएगा संगीत के लिए। संगीत की बात नहीं, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, एक दो और ऐसे विषय हैं जिनमें बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, इसकी बात की गई थी, उसी को संदर्भ में लिखी हुई आर्टिकल जो है छपा है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस आर्टिकल में ऐसा जानकारी दी गई, इस डेटा को निकाला गया है कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय की मैं बात करूं, तो यहां पर निकला है 14,032 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इनमें से इतने विद्यालय हैं, मतलब ये 9 से 12 की बात हो रही है, इतने विद्यालय हैं, इतने विद्यालयों में बात करूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 43 विद्यालयों में आप संगीत की शिक्षा ले सकते हैं, और इन 43 विद्यालयों में भी मात्र 28 विद्यालयों में संगीत के शिक्षक उपलब्ध है। आप इस बात को समझिए, पूरा ये डेटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप समझिए। और तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहां पे 14,032 विद्यालय हैं और शिक्षक कितने हैं, इतने में सिर्फ 28 शिक्षक हैं, तो एक बड़ा गैप यहां पर दिख रहा है संगीत शिक्षक के लिए। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी की संकेत यहां से मिल रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में वैकेंसी देखने को मिली थी, उसी तरीके से आने वाले समय में राजस्थान में और आने वाले समय में अलग अलग राज्य में संगीत को लेकर बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% कंफर्म है। आने वाले समय में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप संगीत से रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हैं ना, तो प्रभाकर विशारद ये सब डिप्लोमा वाले कोर्सेज ना करें। हालांकि यहाँ पे मान्य रहेगा, राज्य की वैकेंसी है, अगर अभी से कोई डिग्री करना चाहते हैं तो 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर ले, आप तो 4 साल का हो गया, ग्रेजुएशन करें, बीपीए करें, बीए इन म्यूजिक करें, बी म्यूजिक करें, बीए प्रोग्राम में म्यूजिक करें, लेकिन ताकि इस तरीके के आने वाले समय में 4-5 सालों में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल रही, जैसे यहाँ पे 14,000 दिखा, तो 14,000 में जरूरी नहीं कि सब में संगीत की पढ़ाई शुरू कर दे। मान लेता हूं कि चलिए 5,000 में शुरू कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि 5,000 वैकेंसी जो है एक बार में भर ली जाए, कई स्टेजेस में भरा जाएगा, कई बार में भरा जाएगा 5,000 वैकेंसी को, ये 5 साल 6 साल खींच लेंगे,
लेकिन 5 साल 6 साल में हर साल 1000 वैकेंसी भी निकालते हैं, 500 600 पद भी निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती जो है आने वाले समय में आपको अलग अलग राज्य में देखने को मिलेगी। तो आप सब सचेत हो जाइए, राजस्थान से अपडेट रहिए। यहाँ पर एक अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूं तो रेट होता है, क्या होता है रेट होता है। अब ये रेट क्या है, जिस तरीके से आप रीट जो जिस तरीके से आपने एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा दिया था बिहार के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे होता है, लेकिन वो सर 1 से 8 तक ही होता है। तो अभी उसमें भी आप लोग कहेंगे कि इसका क्या मामला है, तो 1 से 8 तक होता है, फिर ये भर्ती तो 9 से 12 तक आती है। बिहार में हुआ ना 9 से 12 तक संगीत के लिए, यहाँ पर भी हो जाएगा। और नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट वैकेंसी मिल जाएगी देखने के लिए, या जैसे यूपी में होता ही है जिस तरीके सेंट्रल लेवल में होता है। जरूरी थोड़ी ना क्या है पात्रता परीक्षा हो, अगर होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और नहीं होगी तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, डायरेक्ट आपको वैकेंसी मिलेगा। आप लोग बस तैयारी करते रहें, इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको क्या करना है कि नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है 9005.02878, इस नंबर पे आप जो नंबर नीचे स्क्रॉल आपको देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स इतने में से बेनिफिशियल रहेगा, जो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, आने वाले 1 साल 1.5 साल जो भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली उसमें आपके लिए लाभदायक रहे। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे आप कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेज चल रही हैं, संगीत शिक्षक के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड क्लासेज चल रही हैं। अभी तक ये बस इतना ही, एक कमी आप लोग करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी करते हैं, हर जगह की न्यूज आपको अपडेट में करता रहता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद।